चलिए अभी हम लोग जो डिजाइन ऑफ सिंगली रेनफोर्स्ड बीम पढ़ रहे थे उसमें टू टाइप्स के प्रॉब्लम थे। फर्स्ट टाइप के प्रॉब्लम अभी जस्ट पीछे लेक्चर में हम लोग सोल्व किए। वहाँ पे हम लोग क्या क्या था कि जब मोमेंट दिया रहेगा, जब बिर्थ दिया रहेगा, जब डेप्थ दिया रहेगा, जब ग्रेड ऑफ कंक्रीट दिया रहेगा, जब ग्रेड ऑफ स्टील दिया रहेगा, तब उस केस में हम लोग क्या करते थे कि स्टील का वैल्यू निकालते थे। तब उस केस में हम लोग टोटल कितना स्टील लगेगा, कितना नंबर ऑफ बार लगेगा, उसको निकालते थे टाइप वन में। अभी के लेक्चर में हम लोग टाइप टू में डायमेंशन को कैलकुलेट करेंगे और टेंसाइल रेनफोर्समेंट को भी कैलकुलेट करेंगे, यानी हम लोग यहाँ पे एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट भी निकालने वाले हैं। तो आइए इसको अच्छे से सीखते हैं। हम लोग पीछे वाला लेक्चर आई हो बनाए होंगे, प्रैक्टिस किए होंगे, क्वेश्चन समझने की कोशिश करते होंगे कि कब क्या दिया रहेगा, तब कब कैसे निकलेगा, वो आपको कि बुक में जो क्वेश्चन है उसको प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद पूछिए। वैसे भी हम एक सेशन लाने वाले हैं जिसमें हम टोटल प्रैक्टिस क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है? वो जल्द ही सेशन आपको देखने को मिल जाएगा। तो टाइप टू में आते हैं, डिटरमाइनिंग डायमेंशन ऑफ बीम एंड एरिया ऑफ टेंसाइल रेनफोर्समेंट। सबसे पहला स्टेप में हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे ओवरऑल डेप्थ ऑफ बीम, जो सॉरी कैसे निकलेगा हम लोग को, वो कैसे निकलेगा आपके क्वेश्चन में स्पान का वैल्यू दिया रहेगा। तो d इक्वल टू 1/12 टू 1/15 टाइम्स ऑफ स्पान। स्पान 7 मीटर का, यानी स्पान करने का मतलब लेंथ ऑफ बीम, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं स्पान, जिसे 7 मीटर का है, 6 मीटर का है, तो उसी को मीटर है। सबसे पहले mm कन्वर्ट करेंगे और उसको 12 से डिवाइड करेंगे और 15 से, यही दोनों के बीच में जो वैल्यू आएगा उसको हम क्या लेंगे, डेप्थ लेंगे, यानी डेप्थ ऑफ बीम लेंगे। ये डेप्थ ऑफ बीम लेंगे डी का वैल्यू, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे आपको कुछ नहीं दिया रहेगा, ना डेप्थ दिया रहेगा, ना विड्थ दिया रहेगा, ना और कोई एरिया दिया रहेगा, आपको सब बनाना है यही स्टेप को फॉलो करके, ठीक है? स्पान का वैल्यू दिया रहेगा, एक लोड दिया रहेगा, उसके हेल्प से हम कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, ये स्पान तो सबको पता रहे ना, जब आप घर बना रहे हैं तो आपको कितना मीटर का जो बीम देना है वो तो आपको पता रहेगा, तो वो तो स्पान पता रहेगा, और कितना लोड देना ये भी आपको पता रहेगा। तो यही दोनों के हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, बीम का डिजाइन करते हैं। तो ओवरऑल डेप्थ ऑफ बीम जो है डी इजकल टू 1/12 टू 1/15 टाइम्स ऑफ स्पान होता है। अब आते हैं स्टेप नंबर टू, विड्थ ऑफ बीम। विड्थ ऑफ बीम जो होता है, जो अभी डेप्थ निकाल लें ना, या तो उसका थर्ड टाइम थर्ड भाग कर दीजिए या हाफ टाइम कर दीजिए, ठीक है? तो यही आपका डेप्थ होगा, यही दोनों के बीच का रेंज को लेना है। तीसरा में आते हैं इफेक्टिव डेप्थ निकालना है, क्योंकि हम अभी स्टेप वन में टोटल डेप्थ निकाले, उसको हम कवर घटा देंगे, कवर घटा देंगे, ये जो कवर होता है ये कवर को घटा देंगे तो क्या निकल जाएगा मेरा, इफेक्टिव डेप्थ निकल जाएगा। अगर क्वेश्चन में कवर नहीं दिया है तो आपको 50 mm ले लेना है, ठीक है? अब आते हैं स्टेप नंबर फोर में, यहाँ पे लोड का कैलकुलेशन करते हैं। आपको जो पता है लाइव लोड के बारे में पता है, कितना आदमी का वहाँ लोड रहेगा, कितना मशीन का लोड रहेगा, क्या रहेगा, वो आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगा, कौन, लाइव लोड। लेकिन सेल्फ वेट का जो लोड है, या जिसको डेड लोड कहते हैं, या फिनिशिंग लोड है, वो आपको बनाना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। फिर तीनों को जोड़ देंगे वो टोटल लोड होगा, यानी आप किसी के यहाँ बीम बनाने गए वो आपको लाइव लोड के बारे में बताना बताएगा कि मेरे यहाँ 5 आदमी रहता है या 10 आदमी रहता है या जो भी रहता है, ठीक है? लाइव लोड और डेड लोड सबको पता है ना, लाइव लोड वो होता है जिसको आप हटा सकते हैं, और डेड लोड उसका खुद का स्ट्रक्चर का वेट हो गया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेड लोड बोलते हैं। फिनिशिंग लोड आप समझ ही रहे हैं, फिनिशिंग जो टाइल्स वगैरह प्लास्टर वगैरह। तो सेल्फ वेट जो होता है उसको कैसे निकालेंगे हम लोग, तब 25 × b × d × l। अभी b क्या है, तो विड्थ ऑफ बीम है, d क्या है, डेप्थ ऑफ बीम है, जो अभी दोनों स्टेप में हम लोग निकाले थे फर्स्ट और सेकेंड में। लेंथ तो आपको मालूम ही रहेगा, लेकिन हम लोग जो डिजाइन करते हैं बीम को 1 मीटर के लिए करते हैं, पर मीटर का, जिसे लिखा रहता होगा 70 kN पर मीटर, ठीक है? तो इसलिए हम लोग एल के वैल्यू को कितना पुट कर देंगे, 1। बी का वैल्यू पता हो गया, डी का, किन्हीं को कन्फ्यूजन हो रहा होगा 25 कहाँ से आया, तो ये 25 डेंसिटी ऑफ RCC है, ये फार्मूला में ही आपको लिखना है 25 × b × d, तो यहाँ से निकल जाएगा सेल्फ वेट ऑफ बीम। फिनिशिंग लोड की बात करें
तो 0.6 किलो न्यूटन पर मीटर, ये जूम कर लेना अगर नहीं दिया रहे तो, क्वेश्चन में दे देगा तो ठीक है, नहीं दे रहेगा तो यही वैल्यू आपको ये जूम कर लेना है। फिर तीनों वैल्यू को जोड़ दीजिएगा तो वही आपका होगा टोटल लोड, जिसको हम सम ऑफ ए भवे, तीनों को जोड़ दीजिएगा। उसके बाद फैक्टर लोड के बारे में बात करते हैं, तो फैक्टर लोड क्या होता है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी से गुना कर दीजिए टोटल लोड में, तो ये हो गया आपका फैक्टर लोड। फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना लेना है 1.5, टोटल लोड में गुना कर देंगे। अब आते हैं मोमेंट निकालने के लिए। सबको पता है कि सिंपली सपोर्ट हम जब पढ़ते थे तो वहाँ पे मोमेंट कैसे निकालते थे, तो एम इज इक्वल टू डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई एट, पढ़े हैं सब डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई एट, तो वही फैक्टर लोड है ना, तो इसलिए यू से डिनोट कर दिए, डब्ल्यू यू से। यहाँ पे वैल्यू पुट करके हम लोग डिजाइन मोमेंट निकाल लेंगे। डिजाइन मोमेंट निकालने के बाद हम लोग लिमिटिंग मोमेंट भी निकाल लेंगे, और लिमिटिंग मोमेंट हम लोग कैसे निकालते हैं, एम यू लिम इज इक्वल टू 0.36 एफ सी के बी एक्स यू लिम डी माइनस 0.42 एक्स यू लिम, यहाँ से हम लोग एक्स यू एम यू लिम भी निकाल लेंगे। फिर हम चेक करेंगे सेक्शन की, मेरा सेक्शन अंडर रेनफोर्स्ड है, बैलेंस है, ओवर रेनफोर्स्ड है। अगर एम यू का वैल्यू एम यू लिम से कम है तो अंडर रेनफोर्स्ड बीम, दोनों बराबर है तो बैलेंस सेक्शन, अगर ग्रेटर देन है तो ओवर रेनफोर्स्ड बीम, ठीक है। लेकिन ओवर रेनफोर्स्ड बीम रहेगा तो हम डबली रेनफोर्स्ड में ले, या तो रीडिजाइन कीजिए या सेक्शन को घटाइए बढ़ाइए, या फिर किससे कीजिए, डबली रेनफोर्स्ड बीम से कीजिए। अब ऐसा सिचुएशन बना है ना कि जो अभी हम क्वेश्चन बनाएंगे वो ओवर रेनफोर्स्ड हो जाता है, तो ओवर रेनफोर्स्ड हो जाता है तो उसको हम सेक्शन को ही क्या करते हैं, कम करते हैं, क्योंकि हमको पढ़ना है सिंगली, डबली पढ़ना है तो डबली आगे करेंगे। फिर अगर ये इस क्वेश्चन को छोड़ते तो फिर डबली से पढ़ना पड़ता, मतलब यहाँ जो सिचुएशन बन रहा है ना, तो ये अंडर एनफोर्स कब रहेगा, जब एम यू लेस देन रहेगा एम यू लिम से तो अंडर एनफोर्स, एम यू है एम यू लिम के बराबर तो बैलेंस सेक्शन, ये ग्रेटर देन हो जाता है तो ओवर एनफोर्स हो जाएगा। या तो रीडिजाइन कीजिए, यानी बीट और डेप्थ को कम बेस कीजिए, अब मटेरियल तो चेंज कर नहीं सकते हैं क्योंकि वो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, तो चेंज करिएगा तो बीट और डेप्थ को कीजिएगा। डेप्थ को भी ज़्यादा बड़ा छोटा नहीं कर सकते, आपको अपीरियंस देखने में अच्छा नहीं लगेगा, ज़्यादा कर दीजिएगा तो आपको लगेगा घर में लटका हुआ बीम है, ठीक है। तो या तो आप फिर डबली रेनफोर्स्ड बीम कीजिए या सेक्शन को बढ़ाइए घटाइए, अगर बढ़ाने घटाने की सुविधा है अवेलेबल है तो घटा बढ़ा सकते हैं, नहीं तो फिर डबली रेनफोर्स्ड बीम कीजिए, ठीक है। अभी हम क्वेश्चन देखने वाले हैं, मजा आएगा। स्टेप नंबर 7 कैलकुलेशन फॉर रेनफोर्समेंट, उसके बाद हमको क्या करना है, कैलकुलेशन करना है रेनफोर्समेंट का, स्टील निकालना है, ठीक है। फिर उसके बाद नंबर ऑफ बार निकाल देंगे, कितना छड़ लगेगा, तो नंबर ऑफ बार निकालने के बाद हम लोग चेक कर लेंगे डेप्थ का, कि डेप्थ जो शुरू में हम लिए हैं वो सही है ना, ठीक है। तो उसको चेक करेंगे कि से एम यू इज इक्वल टू 0.36 एफ सी के बी एक्स यू लिम डी माइनस 0.42 एक्स यू लिम, एक्स यू लिम 415 दिल रहेगा तो 0. यहाँ कितना 4d, या 250 दिया रहेगा तो 0.53d, तो यहाँ से डी सब वैल्यू पुट कर दीजिएगा तो डी का वैल्यू निकल जाएगा ना। तो देखिएगा कि ये जो वैल्यू आया है और जो हम लिए हैं उसमें क्या डिफरेंस है, ज़्यादा है कम है, ठीक है। तो क्वेश्चन करेंगे तो देखेंगे। फिर उसके बाद स्टेप नंबर 9 में चेकिंग टाइप ऑफ सेक्शन, फिर एक्सी और एक्सी लिम में कंपेयर करके देखिएगा जब डी का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। तो कंपेयर कीजिएगा तो आपको कंपेयर करने कैसे करते हैं, एक्सी का वैल्यू कैसे निकालते हैं एक्सी लिम का, तो एक्सी लिम के लिए तो 250 है तो 0.53d, 415 है तो 0.4d, 500 है तो 0.46d, और एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कैसे निकालते हैं 0.87 FYST बटा 0.36 FCKB। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, देख लेंगे सेक्शन क्या है मेरा, अगर ओवर रेनफोर्स से होगा तो इसको फिर आपको रीडिजाइन करना पड़ेगा, अंडर रेनफोर्स सेक्शन रहेगा तो आपको मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकाल लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे डिजाइन ऑफ शियर, जो अभी कल के लेक्चर में पढ़े होंगे, कल नहीं परसों के लेक्चर में पढ़े होंगे डिजाइन फॉर शियर रेनफोर्समेंट, वही कहानी यहाँ से फिर से दोहराएगा, तो ये तो हम आपको पहले ही पढ़ाए हुए हैं, है ना। एनालिसिस के बाद हम लोग उसके बाद डिजाइन ऑफ शियर रेनफोर्समेंट पढ़ाए हैं, ठीक है, तो वहां जाके देख लीजिएगा। लेक्चर नंबर कितना होगा बता देते हैं, लेक्चर नंबर 8 होगा, देखिएगा लिखा होगा डिजाइन ऑफ शियर रेनफोर्समेंट, ठीक है, क्योंकि 7 तक तो सिंगली रेनफोर्समेंट, एनालिसिस ऑफ सिंगली रेनफोर्समेंट एंड इट्स न्यूमेरिकल होगा, और लेक्चर नंबर 8 में आपका होगा
यही डिजाइन ऑफ शियर एनफोर्समेंट, ठीक है। तो देखिएगा किस लेक्चर में डिजाइन फॉर शियर एनफोर्समेंट, तो वहाँ पे हम लोग क्या बताए थे, वी यू का पहले शियर फोर्स निकालते थे, शियर फोर्स निकालने के बाद हम लोग क्या करते थे, नॉमिनल शियर स्ट्रेस निकालते। बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा आप अगर वो लेक्चर देखे होंगे, और नए देखे हैं तो हम सजेस्ट करेंगे कि पहले वो लेक्चर आप देखिए, ठीक है। वो लेक्चर देखने से आपको बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा, बहुत कुछ कि आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगा, इसलिए आप लेक्चर नंबर 8 को पहले देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग टाउ भी निकालते थे, टाउ भी के बाद परसेंटेज ऑफ स्टील निकालते थे, इसी के हेल्प से हम लोग टाउ सी निकालते थे, ये आपको डब्ल्यू में भी काम देगा, इसलिए एक बार जाके देख लीजिएगा, इसलिए हम आगे बढ़ा रहे हैं इसको, सब क्लॉज लॉज सब देखा के बताए हुए हैं। टाउ भी लेस देन रहेगा तो हम लोग नॉमिनल शियर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे और उसका स्पेसिंग इससे निकालेंगे, अगर टाउ भी ग्रेटर रहता था टाउ सी से तो हम लोग शियर रेनफोर्समेंट डिजाइन करते थे, ठीक है। और डिजाइन करते थे पहले वी यू एस का वैल्यू निकालते थे, फिर स्पेसिंग निकालते थे, और स्पेसिंग में चेक करते थे कि 0.75D 300 mm मिनिमम स्पेसिंग, कैलकुलेटेड स्पेसिंग में ये चारों में लेस होना चाहिए, सबसे कम वाला वैल्यू होना चाहिए। फिर क्वेश्चन एक पूछ सकता है आपको कि चेक फॉर डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन चेक कीजिए, तो डिफ्लेक्शन के लिए यहाँ पे लेंथ और स्पान और डेप्थ का रेशियो अगर सिंपली सपोर्टेड है तो 20 से कम, ये कितना क्लॉज बता रहा है, पेज नंबर 37 में जाइए और देखिए कि डिफ्लेक्शन चेक करने का क्या क्राइटेरिया है, तो 23.2.1 के ए में देखिएगा, चलिए दिखाते हैं हम आपको, 37 पेज नंबर था ना, सैंतीस पेज नंबर में देखिएगा क्लॉज 23.2.1, इसमें ए में क्या है कि अगर 10 मीटर तक स्पान है, जैसे हम लोग जो क्वेश्चन बनाएंगे जिसमें 7 मीटर रहेगा, 8 मीटर रहेगा, 9 मीटर स्पान रहेगा, 10 मीटर तक ये वैलिड है, तो 10 मीटर स्पान है तो जो स्पान टू इफेक्टिव डेप्थ का रेशियो जो होता है कंटिलीवर में 7 से कम होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, सिंपली सपोर्टेड में 20 से कम होना चाहिए, कंटिन्यूस में 26 से कम होना चाहिए, ठीक है। एक देखिए यहाँ पे लिखा है ऊपर नोट ग्रेटर देन, ठीक है, नोट ग्रेटर देन मतलब उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, 20 या 20 से कम होना चाहिए, तो ये वैल्यू आपका तो सिंपली सपोर्ट वाला बना रहे हैं अभी, तो 20 से कम आना चाहिए किसको, स्पान बटा इफेक्टिव डेप्थ, इफेक्टिव डेप्थ मतलब डी, स्पान मतलब ए, एल और डी का वैल्यू जो है लेस देन कितना होना चाहिए 20, तब आपका डिफ्लेक्शन सही रहेगा। तो यही था स्टेप नंबर 11, आई होप अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। अब आते हैं क्वेश्चन करते हैं, डिजाइन ए आरसीसी बीम ऑफ क्लियर स्पान, देखिए 7 मीटर के लिए, वो कहां तक वैलिड था, 10 मीटर तक था, सिंपली सपोर्टेड ए डिजाइन वर्किंग लाइव लोड ऑफ 11 किलो न्यूटन पर मीटर, डिजाइन द बीम फॉर लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स फॉर फ्लेक्सुरल एंड सीयर, चेक फॉर लिमिट स्टेट ऑफ डिफ्लेक्शन अडेप्ट M20 एंड ग्रेड ऑफ कंक्रीट Fe 415, ठीक है, बार्स। उसके बाद आपको क्या करना है यहाँ पे कि डिजाइन करना है आरसीसी बीम का, यानी सिंगली रेनफोर्स बीम का आपको क्या करना है, डिजाइन करना जिसमें 7 मीटर का आपका स्पान दिया हुआ है, 11 किलो न्यूटन पर मीटर का लाइव लोड दिया हुआ है, डिजाइन द बीम फॉर लिमिट स्टेट कोलैप्स फॉर फ्लेक्सुरल एंड सीयर, इसमें क्या करना है आपको, शियर रेनफोर्समेंट को भी यहाँ पे डिजाइन करना है, डिफ्लेक्शन को भी चेक करना है, यानी हम सीधा सीधा भाषा में बताएं तो हम एक ही क्वेश्चन में जो अभी स्टेप बता रहे थे ना कि जिसमें शियर रेनफोर्समेंट का भी क्वेश्चन दे दिए हैं और डिफ्लेक्शन का भी दे दिए, ठीक है, ये भी निकाल के बताइए, यानी इससे ज़्यादा आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, यानी पहले तो हम लोग जहां 10 स्टेप तक करेंगे उसके बाद हम लोग शियर एनफोर्समेंट को भी देख लेंगे, डिफ्लेक्शन को भी, इससे ज्यादा क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जा सकता। तो आइए हम लोग प्रोसेस जैसे स्टेप पढ़े, नहीं होता है तो आप पहले जो हम स्टेप बताएं वो स्टेप को एक कॉपी में लिख लीजिए, उसके बाद वही स्टेप को फॉलो करते जाइए, देखिए क्वेश्चन कितना आराम से बनता है। क्लियर स्पान दिया हुआ है, लाइव लोड दिया हुआ है, M20 ग्रेड जो है 20 न्यूटन पर mm² है, 415 ग्रेड ऑफ स्टील जो है 415 न्यूटन पर mm², इसका ग्रेड हो गया और करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ हो गया। अब आते हैं सबसे पहला जो स्टेप था उसमें ओवरऑल डेप्थ ऑफ बीम निकालना था, तो D इक्वल टू 1/12 टू 1/15 टाइम्स ऑफ स्पान, स्पान का वैल्यू कितना दे रहा है, 7
सात मीटर दिया हुआ था, तो उसको हम कैलकुलेट किए यानी एमएम में कन्वर्ट किए तो हो गया 7000 mm, 7000, ठीक है। तो 1/12 टू इंटू 7000 टू 1/15 टाइम्स ऑफ 7000, इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो d इक्वल टू 500 583.33 466.67 के लाइज जो इसके बीच में करेगा उसी का वैल्यू लेना है। तो एक राउंड फिगर में लिया जाता है हम लोग का डेप्थ, जब हम स्टेप बता रहे थे उसी में बताए थे कि राउंड फिगर में लेंगे, तो राउंड फिगर में ये दोनों का बीच में कोई एक वैल्यू ले लीजिए, तो हम 500 mm ले लेते हैं, कितना ले लेते हैं 500 mm ले। हेंस बी अडॉप्ट ओवरऑल डेप्थ ऑफ बीम इज 500 mm, ठीक है, क्लियर। आइए इसके बाद हम लोग विड्थ ऑफ बीम निकालते हैं, विड्थ ऑफ बीम कितना होता है 1/3 टाइम्स ऑफ डी टू 1/2 टाइम्स ऑफ डी, तो 1/3 कितना हो जाएगा 500 का जो डेप्थ अभी लिए हैं ओवरऑल डेप्थ 500 में, उसी को 3 से भागा दे दीजिए, 2 से भागा दे दीजिए, तो 166.67 टू 250 के बीच में आपको लेना है, तो हम 250 को ही ले रहे हैं। ऐसे भी आपको बोला जाता है कि अगर डेप्थ दिया रहे तो हाफ उसका विड्थ होता है, ठीक है, तो 500 था तो 250 mm ऐसे भी ले लिए। इफेक्टिव डेप्थ की बात करते हैं तो इफेक्टिव स्टेप नंबर 3 में इफेक्टिव डेप्थ, यहाँ तो कवर दिया नहीं क्वेश्चन, तो इसलिए 50 अपने से क्या कर दिए घटा दिए, तो 450 mm इसका आ गया इफेक्टिव डेप्थ। अब आते हैं लोड कैलकुलेशन करते हैं, लोड कैलकुलेशन में आपको बताए थे सेल्फ वेट ऑफ बीम या डेड लोड निकालने के लिए 25 × b × d × l, 25 विड्थ का वैल्यू 250 mm था तो मीटर में कन्वर्ट करके रखें 0.25, डेप्थ का वैल्यू 0.5, एल का वैल्यू 1, ये आ गया आपका डेड लोड। फिनिशिंग लोड की बात करें तो 0.6 किलो न्यूटन पर मीटर, लाइव लोड की बात करें तो 11 किलो न्यूटन पर मीटर, टोटल लोड कितना हो गया सबको जोड़ दीजिए तो 14.73 किलो न्यूटन पर मीटर आ गया। अब यहाँ पे आते हैं फैक्टर लोड निकालते हैं, तो फैक्टर लोड क्या होता है फैक्टर ऑफ सेफ्टी इंटू टोटल लोड, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.5 था इंटू टोटल लोड 14.73, ये आ गया 22.10 किलो न्यूटन पर मीटर। अब आते हैं डिजाइन मोमेंट निकालते हैं, डिजाइन मोमेंट स्टेप नंबर 5 में था, डिजाइन मोमेंट निकालना एकदम जैसे जैसे स्टेप है उसी को फॉलो करते जाइए, तो डिजाइन मोमेंट WL²/8, W का वैल्यू 22.107 का स्क्वायर बाई 8, तो आ गया आपका डिजाइन मोमेंट। उसके बाद लिमिटिंग मोमेंट निकालते हैं, तो लिमिटिंग मोमेंट MU(lim)=0.36 FC(bxu)lim, D-0.42 XU(lim) का वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर देंगे 415 का है तो 415 के लिए 0.48 होता है, D का वैल्यू 450 है, D का वैल्यू 450 है 0.42 0.48, देखिए 0.42 ये हो गया, XU(lim) का वैल्यू कितना होता है 0.48 D कब जब FE वैल्यू कितना हो 415 हो, ठीक है, तो 0.48 D होता है, तो 0.48 डी का वैल्यू 450, इसको कैलकुलेट करेंगे तो एमयू लीम का वैल्यू आ जाएगा, तो एमयू लीम का वैल्यू एमयू का वैल्यू है जो लेस देन है एमयू लीम से, तो लेस देन है तो ये क्या है ठीक है डिजाइन सिंगली रेनफोर्स्ड बीम होगा, ठीक है ओवर नहीं हुआ, ओवर होता था डबली में चला जाता, लेकिन आगे बढ़िए यहाँ पे कैलकुलेशन फॉर रेन, अच्छा यहाँ तक तो ओवर रेनफोर्स, अभी तक तो अंडर रेनफोर्स बीम है तो कोई दिक्कत नहीं। अब कैलकुलेशन कर लेते हैं स्टेप नंबर 7 में किसका रेनफोर्समेंट का, यानी हम लोग स्टील निकाल लेते हैं, और स्टील जो निकालेंगे वो एमयू के लिए नहीं निकालेंगे, एमयू लिमिट के लिए निकालेंगे, बात समझ रहे हैं, बात समझ रहे हैं कि हम लोग मैक्सिमम कितना उसमें मोमेंट लगेगा उसका हम लोग स्टील निकालेंगे, तो इसलिए यहाँ पे एमयू के जगह किसका वैल्यू पुट करेंगे एमयू लीम के वैल्यू पुट करेंगे, और 0.87 FY का वैल्यू 415 ST और D का वैल्यू 450, 1 ST का वैल्यू तो यहाँ से निकालना ही है तो कैलकुलेट करना आता है आपको, ST का वैल्यू निकाल लिए तो ST का वैल्यू आया है 1072 mm². अब आते हैं नंबर ऑफ बार, ST/π/4 D का स्क्वायर, यहाँ पे हम डायमीटर को यूज कर लेते हैं 20 mm कर लेते हैं, ठीक है हम मानते हैं ये मेरा टोटल एरिया आया, अब इसमें कई वो आपको स्टील प्रोवाइड करना था, हम 20 mm पुट कर देते हैं, तो 20 mm पुट करते हैं तो आ गया 3.41 जो आ गया 4 बार, कितना आ गया 4 बार, तो 4 बार प्रोवाइड करेंगे 20 mm का। अब देखिए ये था 3.41 था जब 1072 mm² था, 1072 था ना,
1072 mm था, लेकिन चार बार हो गया तो एरिया तो बढ़ जाएगा। अब चार बार ले, हमको लेना था 3.14, लेकिन ऐसा होता नहीं है, तो इसलिए हम चार बार ले रहे हैं। तो चार बार ले रहे हैं तो अब एरिया निकालिए, तो एरिया बढ़ जाएगा ना। अब तो अब एरिया टोटल जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं, टोटल एरिया वो कितना कर रहे हैं, 1256.64 mm² प्रोवाइड कर रहे हैं, है ना। इतना आपका एरिया प्रोवाइड कर रहे हैं। एट नंबर में आते हैं, स्टेप नंबर एट में चेकिंग डेप्थ ऑफ बीम, बीम कितना डेप्थ है उसको चेक कर लेते हैं। तो एमयू का वैल्यू पुट कर लिए 0.36, एफसीके का वैल्यू, बी का वैल्यू पुट कर लिए, एक्सयू लिम का वैल्यू पुट कर लिए 0.48d, क्योंकि 415 वाला यहां से तो हमको डी का निकालना है, तो डी का वैल्यू आ गया 442.91। हम पुट किए 500 तो सही है ना, प्रोवाइडेड है जो 500 है, और जो है ये आया है, मतलब इतना होना चाहिए, इतना डेप्थ होना चाहिए मिनिमम, ठीक है। हम तो 500 दिए तो सही है, ज्यादा भी डेप्थ नहीं दे सकते, अपीयरेंस खराब हो जाएगा, ठीक है। तो हाँ 442 था, 500 दिए सही है, लेकिन कम नहीं देते, 442 से कम रहता, जैसे जो वैल्यू हम ऊपर डी का वैल्यू निकाल के लाए हैं वो 450 था ना, ये तो टोटल डेप्थ था, 450 मेरा इफेक्टिव डेप्थ था, इफेक्टिव डेप्थ यहाँ 442 है, सही है। अगर यही कम हो जाता जो कैलकुलेट आया है, जैसे मान लीजिए हम देते 350 का, आया 442, तो मतलब कि होना चाहिए 442, हम दिए 350 है, तब तो दिक्कत है, लेकिन यहाँ है हम दिए 450, आया है निकाल के कितना 442, ठीक है, कोई बात नहीं है, ये हो गया सेफ है। अब हम टाइप ऑफ सेक्शन चेक कर लेते हैं, है ना, एक्सयू और एक्सयू लिम से सेक्शन चेक कर लेते हैं। तो एक्सयू लिम का वैल्यू 216 और एक्सयू का वैल्यू एरिया प्रोवाइड करेंगे कौन सा, हम चेक करें सेक्शन ना, कि इतना स्टील देंगे तो सेफ रहेगा कि नहीं, चार बार दे देंगे तो सेफ रहेगा कि नहीं, तो उसी के लिए हम चेक करें। तो 0.87 FY और टोटल कितना एरिया प्रोवाइड किए हैं, और बटा 0.36 20 × 250। बी का वैल्यू हम 250 जो लिए थे उसको पुट करते हैं, तो आ गया 252। यहाँ पे आपका एक सी लिम कितना है, 216, यहाँ हो गया आपका ओवर रेनफोर्स्ड। एक्सयू का वैल्यू क्या हो गया, ज्यादा हो गया एक्सयू लिम से, किसके कारण, स्टील ज्यादा देने के कारण। देना चाहिए हमको 3.41 से ज्यादा नहीं देना चाहिए, हम चार दे दिए, ठीक है। हम तीन बार ले नहीं सकते हैं, तीन बार लेंगे तो फेल कर जाएगा सेक्शन, ठीक है, तो हम तीन बार ले नहीं सकते हैं, 3.41 दे नहीं सकते हैं, और चार बार दे रहे हैं तो ओवर रेनफोर्स हो जा रहा है, जो कि सडन फेलवर देखने को मिलेगा। अब करे तो क्या करे, तो यहाँ पे एक चीज बताए थे कि डायमेंशन को रिवाइज कीजिए, और नहीं तो फिर भेजिए डबली रेनफोर्स्ड बीम में, या तो डायमेंशन को रिवाइज कीजिए, या नहीं तो फिर भेजिए डबली रेनफोर्स्ड बीम में। तो अभी डबली हम तो सिंगली बना रहे हैं, तो सिंगली है, हम क्या करते हैं डायमेंशन को चेंज कर देते हैं, जो बी लिए थे 250 उसको हम ले लेते हैं 300 mm, कितना ले लेते हैं 300 mm। जब आप यहाँ पे वैल्यू 300 पुट कीजिएगा ना, तो एक्सयू का वैल्यू देखिए 210 आ रहा है, एक्सयू का वैल्यू 210 और एक्सयू लिम का वैल्यू 216, अब तो हो गया अंडर रेनफोर्स्ड, अब हो गया ना अंडर रेनफोर्स्ड। तो देखिए डायमेंशन को हम क्या कर दिए, रिवाइज कर दिए, ठीक है। अब निकाल दीजिए, ये हो गया आपका, ठीक है, मतलब अब बी का वैल्यू कितना रहेगा, 300 रहेगा, नंबर ऑफ बार कितना रहेगा, चार रहेगा, कितना एमएम का रहेगा, 20 mm का रहेगा। अब डिजाइन फॉर सीयर, तो सीयर वाला तो सीयर एनफोर्समेंट में हम लोग पढ़वे किए थे, पहले हम सीयर फोर्स निकालते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा स्किप कर दे, जल्दी जल्दी बता दे, क्योंकि अगर आप पढ़ेंगे एकदम सेम चीज है जो अभी पढ़े होंगे ना, लेक्चर नंबर एट में जो पढ़े होंगे वही सेम चीज है। यहाँ पे सीयर फोर्स निकाल ले, सीयर फोर्स के बाद हम टाऊ भी निकाल ले, टाऊ भी के बाद हम लोग परसेंटेज ऑफ स्टील से क्या निकालेंगे, टाऊ सी का वैल्यू निकालेंगे, टाऊ सी में देखिएगा टाऊ सी का वैल्यू निकाले, और टाऊ सी जो है ना वो क्या हो गया, टाऊ भी का वैल्यू क्या हो गया, ग्रेटर हो गया टाऊ सी से, ठीक है। तो नॉमिनल सीयर रेन क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे, और नॉमिनल सीयर के लिए स्पेसिंग क्या बताया था, 0.87 FY SB / 0.4B। तो यहाँ पे 8 mm का ले लेते हैं, तो 8 mm का एरिया बटा स्पेसिंग निकाल लिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.75D, 300 मिनिमम स्पेसिंग, क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो टाऊ भी का वैल्यू आया है ना, टाऊ भी का वैल्यू अगर ग्रेटर देन टाऊ सी से होता था तब हम डिजाइन करते थे, भी यू एस का वैल्यू निकालते थे, भी यू माइनस टाऊ सी इंटू बी इंटू डी निकालते थे,
कब, जब टाउ भी का वैल्यू ग्रेटर होता था, यहाँ लेस देन है, तो लेस देन है तो बस मिनिमम हमको स्टीरअप प्रोवाइड करना है, डिजाइन नहीं करना है, ठीक है, लोड वो नहीं उसको लिए नहीं, वो बस एक जगह बांधे रहे उसके लिए हमको प्रोवाइड करना है, तो उसमें भी तो स्पेसिंग हम लोग देंगे, तो ही मिनिमम स्पेसिंग, तो यहाँ तीनों को डिजाइन नहीं निकला, तो यही तीनों में कंपेयर करना है, 0.75D 300 और मिनिमम स्पेसिंग, इसमें जो कम है तो कम इसमें कौन है 300 mm, तो टू लेग 8 mm का जो स्टीरअप रहेगा और 300 mm सेंटर टू सेंटर थ्रू आउट द लेंथ ऑफ बीम, तेही आपका था डिजाइन ऑफ सिंगली रेनफोर्स्ड बीम। अब आते हैं चेक ऑफ डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन हम लोग कैसे चेक करेंगे, स्पान बाई डेप्थ, स्पान 7000 और डेप्थ कितना 450, इसका वैल्यू आ रहा है 15.56। और क्या बताए थे सिंगली सिंपली रेनफोर्स्ड बीम के लिए, सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए, कि लेंथ अपॉन डी का वैल्यू लेस देन 20 होना चाहिए, कोड में पढ़े थे ना, कितना होना चाहिए सिंपली सपोर्टेड के लिए लेस देन 20, ठीक है, या इक्वल टू 20, तो यही वैल्यू होना चाहिए, लेकिन है मेरा 15.56, ठीक है, कम है, तो आवर बीम इज सेफ, ठीक है, तो आई होप अच्छा लगा होगा सेशन। अब हम लोग डबली रेनफोर्स्ड बीम का एनालिसिस करेंगे, फिर उसका डिजाइनिंग करेंगे, ठीक है।